So guys, welcome back on my channel, which is Tyagi Bandhu. This is actually the strategy for fight the Gpat 2020. Guys, please read this carefully. How many MCQ arise from the which subject? First of all, pharmacology. 20 to 30 MCQ, definitely. Next one is industrial pharmacy, biopharmaceutics. 10 to 15 MCQ. Pharmaceutics, 10 to 15 MCQ. Medicinal chemistry, 5 to 7 MCQ. Pharmacognosy, 10 to 12 MCQ. Jurisprudence, 4 to 5 MCQ. Organic chemistry, 5 to 10 MCQ. Biochemistry, 3 to 5 MCQ. APH, anatomy, physiology, and health education, 3 to 4 MCQ. Microbiology, 2 to 3 MCQ. Biotechnology, 2 to 3 MCQ. So guys, इससे आप एक idea लगा सकते हो कि कितना MCQ कौन से subject wise आने वाला है. तो सबसे ज़्यादा focus आप pharmacological section में करिए, क्योंकि 20 से 25 30 के बीच में MCQ arise होता है. और दूसरा pharmacognosy, जिसमें biological source, chemical constituent और ज़्यादा लीफ कंटेंट पे फोकस किया जाता है. आपको ये चेक करना है कि जिससे 10 से 15 और 20 से 30 के बीच में एमसीक्यू है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपरली रीड आउट करना है. और नेक्स्ट वन एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिस पे आपको एक प्रॉपरली मैंने एक सेटअप की है स्ट्रेटजी. उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपना जो आपका लेवल है, जो आपका लेवल अभी पढ़ाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटअप मेंटेन बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट, करेक्ट, रॉन्ग स्कोर, नेगेटिव नेट स्कोर आप आइडिया लगा सकते हो. ये एक प्लानिंग है जो जीपैट को क्वालिफाई करने की है. मैं 2 टाइम क्वालिफाई जीपैट हूँ, तो मैं इसी स्ट्रेटजी के बदौलत तो मैं फॉलो किया था, क्योंकि मेरे कोई हाईएस्ट रैंकिंग नहीं थी. मेरे पिछले जो जीपैट क्रैक किया था मैंने एपीआरडी में, उसमें 145 मार्क्स थे. अब जो अभी 2018 में हुआ था जीपैट, 2019 जनवरी में जो जीपैट हुआ था, उसमें मेरे 194 समथिंग रैंक था. तो उसमें बहुत अच्छा रैंक आ गया था. तो ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो की थी. सबसे पहले आपको मैंने एक लाइन दी है जिस पर लिखा है कि अटेम्प्ट. यदि आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यदि 35 करेक्ट होता है, 15 रॉन्ग होता है, तो आपका नेट जो स्कोर है वो पहुँचता है 140. आपको 15 नंबर का नेगेटिव मार्किंग लगता है तो नेट स्कोर बनता है आपका 125, यानी 125. तो जो मेरे ख्याल से पिछले के अकॉर्डिंग, पिछली बार के जीपैट के अकॉर्डिंग, आप यदि जनरल कैटेगरी में हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो. नेक्स्ट वन है, यदि आपका 60 मार्क्स, आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 35 करेक्ट है, 25 रॉन्ग है, स्कोर पहुंचेगा फिर से 140, नेगेटिव मार्किंग 25 की, तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा 115, यानी 115. यदि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 40 करेक्ट होते हैं, 30 रॉन्ग होते हैं, तो स्कोर पहुंचता है 160. तो नेगेटिव मार्किंग जो 30 नंबर की लगेगी, आपके मार्क्स बनेंगे 130. नेक्स्ट है, यदि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 45 यदि करेक्ट होते हैं या 35 रॉन्ग होते हैं, तो आपका नेट स्कोर पहुँचता है 180. 35 की आपको नेगेटिव मार्किंग लगती है, 145 आपका नेट स्कोर पहुंचता है, जो कि एक लेबल सेटअप है अकॉर्डिंग टू जीपैट. क्योंकि अब ईयरली वाइज जो जीपैट की जो मेरिट लिस्ट है वो इंक्रीज हो रही थी, होती जा रही है. और बाकी तो पेपर पे ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर आपको किस लेवल का आया है. डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट जाएगी. तो बेसिकली अगर पिछले का पेपर देखें तो 140 से अबव आपका मार्क्स होना ही चाहिए. तो इसलिए यदि आप 80 क्वेश्चन करते हो, 50 करेक्ट है, 30 इनकरेक्ट है, 200 टोटल मार्क्स बनते हैं, 30 नेगेटिव के चले जाते हैं, 170, जो कि एक सेफ एंड सिक्योर स्कोर है, आप श्योर हो सकते हो कि आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा. नेक्स्ट वन है 19. यदि आपकी मेरे अकॉर्डिंग 130 या 125 से अबव आपका स्कोर रहता है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट चांस रहते हैं कि आप गेट क्वालिफाई हो जाते हो, क्योंकि हर बार इतना ही स्कोर रहता है. नेक्स्ट है, यदि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 60 उसमें से करेक्ट होता है,
30 रॉन्ग होता है, 240 आपका स्कोर पहुंचता है, 30 नेगेटिव जाता है तो आपका 210 आपका स्कोर जाता है। 210 एक बहुत ही अच्छा रैंकिंग स्कोर है जिसमें आप मेरे आइडिया से आप टॉप 100 में तो डेफिनेटली इंक्लूड हो जाओगे। नेक्स्ट वन है, यदि आप 100 क्वेश्चन करते हो 55 करेक्ट होते हैं, 45 इनकरेक्ट होते हैं, तो जो आपका स्कोर है वो पहुंचता है 220, जिसमें से माइनस आपका 45 चला जाता है, आपका स्कोर बनता है 175। नेक्स्ट वन है एक स्ट्रेटेजी जिस पे आपका यदि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो 70 यदि करेक्ट होता है, 30 रॉन्ग होता है, तो आपका स्कोर पहुंचता है 280, जिसमें नेगेटिव चल जाता है 30 और आपका नेट स्कोर पहुंचता है 250, जो कि एक बहुत ही हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा जीपैट में। तो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाई के लेवल को चेक कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप जितना कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो यदि करेक्ट करते हो तो आपके लिए उतना बेटर है कि नेगेटिव आपका कम चलेगा और आपका मार्क्स हाईएस्ट आएगा। इसमें 1/3 यानी 0.04 की नेगेटिव मार्किंग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, और यदि आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आप फुली श्योर्ड हो कि इसका आंसर ये है, तब आप हाईएस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मेरे एक वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि हाईएस्ट रीज़न टू डिसक्वालीफाई द जीपैट एग्जामिनेशन, वो कौन कौन से हाईएस्ट रीज़न है जिसके कारण डिसक्वालीफाई होता है। वो एक कारण ये है कि आप हाईएस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, आप श्योर नहीं होते हो किस क्वेश्चन पे। तो गाइज इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। और यदि आपका लेवल ऑफ रीडिंग या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपका स्कोर हाई जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। यदि आप फुली श्योर्ड हो तो तभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए, अदरवाइज उसको स्किप आउट करके जो सही आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर सेटअप कीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टॉप 13 फार्माकोलॉजिकल MCQ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।